मध्य प्रदेश विधानसभा में एग्जिट पोल के नतीजों ने प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है तो कुछ में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन इस बार अपनी जीत के लिए आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस ने नतीजों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी नेता हर लेवल पर कहते दिख रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे गलत हैं। वहीं एग्जिट पोल के नतीजों के बाद में पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ मैदान में आ जाएं, बीजेपी चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सके। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं, भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये पर्यंत कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं, हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें या पीसीसी में 3 दिसंबर को फोन करें, मैं पूरे समय वहां रहूंगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है।